What's up guys, good morning to everyone. I'm Sudhir. So today lecture this is start. So welcome to Study Mission. I hope to all of you well. So happy holy to all of you well. Happy holy to all of you. So देखिए हमारी एक्स्ट्रा आवाज भी आ रही होगी आपको पीछे से, क्योंकि होली सेलिब्रेट किया जा रहा है. जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा आवाज़ भी आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज है होली. तो आइए, हम एक नोटिफिकेशन में दिया था आपको, जो कि एक नोटिफिकेशन दिया गया था जो कि आपको क्लास टेंथ का जो हिंदी का पेपर है उसको हम लोग आज डिस्कस किए थे करेंगे. तो सारे पेपर्स को डिस्कस करेंगे तो वैसे तो, लेकिन आज हम हिंदी का जो पेपर है वो लेकर आया हूँ. ये बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर में. और पहला कि आपको यहाँ पे कुछ इंस्टीगेशन देखने को मिलता है, जो कि आपको इसको रीडिंग करना पड़ता है. रीड करेंगे तो उसके बाद आपको पेपर को स्टार्ट करना पड़ता है, और 15 मिनट आपको पेपर रीडिंग करने का टाइम मिलता है. यहाँ पर आपको गद्यांश देखने को मिलेगा. जी हाँ, यहाँ पर आप लोग को गद्यांश देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को पढ़कर इसको उत्तर देना पड़ता है. ठीक है, तो ये आप लोग पढ़कर उत्तर दे सकते हैं इसका. तो गद्यांश हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग जहाँ से इम्पोर्टेंट होगा वहाँ से देखेंगे, और इम्पोर्टेंट हमारा खंड ख से है. ठीक है, तो खंड ख से हमारा ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हम लोग देखेंगे. आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करते हैं, सेकेंड की, तो निर्देशानुसार उत्तर देना है आपको. तो आप लोगों ने वाक्य पढ़ा होगा, तो संयुक्त वाक्य में बदलना है. ये वाक्य को एक वाक्य दिया है, उसको संयुक्त वाक्य में बदलना है. यहाँ पर आप लोगों को दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. जी हाँ, एक तो आपको वाक्य दिया गया है उसको किसी अदर वाक्य में बदलना है, और दूसरे तरफ से क्वेश्चन ये आता है जो आपको संयुक्त वाक्य लिखा रहेगा उसमें बोला होगा आपको एक एग्जाम्पल देना है. ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे अगर हम पढ़ाएंगे आपको तो कवर हो जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. एक साल पहले बने कॉलेज में शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी. तो देखिए, मेरा वाक्य पे एक मैं वीडियो भी लेकर आया था, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, उसमें आप लोग काफ़ी बढ़िया समझाया गया है. तो वो वीडियो पर नहीं देखे हैं आप तो हमारे वीडियो को ऊपर एक नोटिफिकेशन बार आएगा, उसमें आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, या अंत में जब वीडियो का लास्ट होगा तो उसमें भी आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगा. तो उसमें भी या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, या आप हमारे चैनल पर भी जाकर पा सकते हो. ठीक है, तो उस वीडियो को देखिए, वाक्य कन्फर्म हो जाएगा आपको. हालांकि यहाँ पर मैं अभी बता रहा हूँ आपको. एक साल पहले बने कॉलेज में शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी, तो इसको संयुक्त वाक्य बदलना है. तो संयुक्त वाक्य मतलब कि संयुक्त वाक्य में और एवं या अन्य अथवा शब्द लगाकर हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं. तो एक साल पहले यह कॉलेज बना था और शीला की उसमें नियुक्ति हुई थी, तो ऐसे हम लोग संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं इसको, कि एक साल पहले कॉलेज बना था और शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी. सरल वाक्य बदलना है. जो व्यक्ति साहसी है उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है. जो व्यक्ति साहसी है उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है. सरल वाक्य में बदलना है इसको, तो सरल वाक्य में सीधा से बदल सकते हैं कि साहसी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं होता. ठीक है, साहसी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं होता, ये इसको हम बदल सकते हैं ऐसे. सवार का संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया. घुड़सवार का संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया. मिश्र वाक्य में बदलना है. मिश्र वाक्य हम जब भी बनाते हैं इसमें क्योंकि, त्यों, ज्यों, यदि, यद्यपि, ऐसे शब्द हम लोग लगाकर मिश्र वाक्य बनाते हैं. तो इसमें हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, घुड़सवार का संतुलन बिगड़ा त्यों ही वह गिर गया. ठीक है, ऐसे हम लोग बना सकते हैं इसको. मिश्र वाक्य में जैसा कि मैंने बताया कि त्यों का लगा शब्द लगा सकते हैं, तो घुड़सवार का संतुलन बिगड़ा त्यों ही वह गिर गया. आश्रित वाक्य पहचानना है, उसमें आश्रित उपवाक्य छाटना है और उसका भेद लिखना है. तो केवट ने कहा कि बिना पांव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा. तो केवट जो है, केवट के द्वारा आपको कार्य किया जाएगा. केवट के ही आश्रित है वो व्यक्ति जो नाव पर चढ़ेगा, इसलिए केवट क्या होगा,
केवट एक आश्रित उपवाक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो आश्रित उपवाक के छाट लिया हम लोग केवट। ठीक है, लेकिन इसका भेद भी लिखना है, छाट कर भेद भी लिखना है। ठीक है, तो वाक्य भेद भी लिखना है। तो वाक्य भेद क्या होगा, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे ने शब्द जोड़ा है ने, तो ये न शब्द जब जोड़ता है ने या न, तो यहाँ पे आप लोगों को संयुक्त वाक्य देखने को मिलता है। आइए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, तो वाच्य का भी एक मैं वीडियो लेकर आया था, तो उसको भी जाकर देखिएगा। किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, तो कृतिवाच्य बदलना है इसको। जब भी हम कृतिवाच्य में बदलते हैं कोई भी शब्द, तो इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों की बात आती है। मैं सकर्मक और अकर्मक का भी बात मैं उस वीडियो में बनाया हूँ, बताया हूँ, या फिर मैं एक और वीडियो अगर लेकर आ सकता हूँ अगर आप बोलेंगे तो, वाक्य का, वाच्य का, वाक्य भेद का, रस का, ऐसे शब्द जो होते हैं पाठ, इस पाठ का, इस चैप्टर्स का सारा का हम वीडियो में लेकर आऊँगा हाल ही में, तो आप लोग इंतजार करिए। तो किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, हालांकि अभी हम लोग देख रहे हैं ये चीज़ पेपर्स, तो इसको कवर करना बहुत जरूरी है अभी जल्दी। तो कृतिवाच्य बदलना है, सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। सकर्मक वह होता है, जैसे कि मैंने बता दूँ आपको, सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। सकर्मक वह चीज़ होती है जब हम कर्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, कर्म के ऊपर जब हम फोर्स देते हैं तो सकर्मक होता है। अकर्मक वह होता है जब हम कर्म के ऊपर नहीं बल्कि कर्ता के ऊपर हम लोग फोकस देते हैं। ये आपको डिफरेंट यहाँ पर जानना जरूरी है। तो कृतिवाच्य में बदलना है इसको, किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, तो कृतिवाच्य में बदलना है, या तो सकर्मक या तो अकर्मक। ठीक है, तो कृतिवाच्य में बदलना है, तो किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि खेत की जुताई किसान के द्वारा की गई। जी हाँ, खेत की जुताई किसान के द्वारा की गई, कृतिवाच्य में इसको बदल सकते हैं। कर्मवाच्य में बदलना है, कितने कंबल बटे, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, तो कंबल कितने बटे, कितने कंबल बटे, तो कंबल कितने बटे। ठीक है, भाववाच्य हमेशा निगेटिव टाइप के होता है, निगेटिव में बदलते हैं इसको। भाववाच्य का पहचानने का बेस्ट तरीका है आपको हमेशा इसको निगेटिव में बनाएंगे आप, नकारात्मक रूप में। ठीक है, तो आओ यहाँ बैठ सकते हैं, तो हम लोग क्या नकारात्मक बना सकते हैं इसमें, तो यहाँ बैठा नहीं जा सकता। जी हाँ, यहाँ बैठा नहीं जा सकता हम लोग भाववाच्य बना सकते हैं। कृतिवाच्य में फिर बदलना है, सैनिकों द्वारा देश की रखवाली की जाती है, तो देश की रखवाली सैनिकों द्वारा की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, देश की रखवाली सैनिकों द्वारा की जाती है, सैनिकों द्वारा देश की रखवाली की जाती है। कृतिवाच्य में बदलना है, तो देश की रखवाली सैनिकों द्वारा की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। जी हाँ, पद परिचय आपको लिखना है, और ये पद परिचय आपको वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी के पॉइंट आउट से। ठीक है, तो सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है, यहाँ पर देखिए सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है, जी जो भी अंडरलाइन शब्द हैं उसको हम लोग पद परिचय लिखना है। तो लेकिन हम लोगों को पूरा वाक्य पढ़ना पड़ेगा, सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है। और एक बात ध्यान दीजिए कि पद परिचय हमेशा लिंग वचन कारक काल पे होता है, ये आपको ध्यान देना है, लिंग वचन कारक काल। तो पहले हम लोग देखेंगे लिंग। ठीक है, हम लोग इसका आंसर लिख कैसे लग सकते हैं, तो लिंग लिखिए, वचन लिखिए ऐसे, और यहाँ पे लिंग जो भी होगा वहाँ लिख देंगे, यहाँ पे वचन जो भी होगा यहाँ लिख देंगे, ऐसे आप आंसर इसका दे सकते हैं। तो सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है, भागती नहीं है, भागता है, क्या होगा, पहले हम लोग लिंग पहचाने आप लोग, तो कौन सा लिंग है, तो पुलिंग है। जी हाँ, पुलिंग होगा। दूसरी बात आई वचन की, कौन सा वचन है, घोड़े नहीं है, घोड़ा है, तो क्या होगा, एक वचन, बिल्कुल सही। अगर इसमें कारक की बात करें, जी हाँ कारक की बात करें, इसमें कारक कोई नहीं है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से करण के अपनान के लिए से में पर हर हरे, वो वाला याद है ना तुमको, आपको ठीक है, वहीं यहाँ पर आपको फॉलो करना है। तो ने रहेगा, पर रहेगा, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी कारक नहीं है। काल की अगर बात करें, तो काल कौन सा होगा, सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है,
भागता है, भाग रहा है, भागता था, भागता होगा, भागेगा, ये शब्द आपको यहाँ पर ध्यान देना है। भागता है, भाग रहा है, भागेगा, भागेगा, भागता होगा, ये कौन सा शब्द है? तो भागता है, भागता है मतलब कि प्रेजेंट, यानी कि अभी भागता है, भाग रहा है, दोनों प्रेजेंट बताया है, इसलिए भागता है, भाग रहा है, तो ये अभी वर्तमान काल है। आइए, खीरा लजीज होता है, खीरा लजीज होता है, ये पहले लिंग पहचानिए। तो लिंग क्या होगा इसमें खीरा में? तो लिंग क्या होगा? पुलिंग होगा, पुलिंग, जी हाँ, पुलिंग होगा। वचन, वचन क्या होगा? खीरा लजीज होता है, खीरा, खीरा, खीरे नहीं है, खीरा है, खीरा, खीरे नहीं है, खीरे लजीज होते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते हैं, खीरा लजीज होता है, खीरा में बहुत प्रकार से खीरा आएगा, बहुत खीरा आ जाएगा, इसलिए हम लोग एक खीरा की यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये क्या है? पुलिंग है और बहुवचन है, ठीक है, तो बहुवचन है। कारक की बात करें, कारक नहीं है, काल की अगर बात कर ले तो प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान काल। यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? जाती है, यानी कि स्त्रीलिंग है, पहले ही पता चल गया आपको, तो यह स्त्रीलिंग है। भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? स्त्रीलिंग है। अगर बात करें हम लोग वचन की, तो यह स्त्रीलिंग है, ठीक है, और वचन की बात करें, एक वचन है या बहुवचन है, तो यह भाषा कितने प्रकार की होती है पता है? तो भाषा तो एक बोली जाएगी ना, कोई भी भाषा एक बोली जाएगी, एक ही भाषा होगी, तो क्या होगा? तो एक वचन होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। कारक नहीं है इसमें, कारक है मैं है कारक, कर्ता ने कर्म को करण से अपदान के शब्दान के लिए मैं पर हरे, ये वाला जो है ना, ये वाला इसमें फॉलो होगा, और आप इसमें कारक भी पहचान सकते हो। काल की अगर बात करें, तो काल आपको देखने को मिलेगा इसमें, बोली जाती है अभी तो प्रेजेंट ही है, सब 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 वाक्य इसमें प्रेजेंट ही है, ठीक है, वर्तमान ही है सब। वह हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है। पुलिंग, पुलिंग बहुवचन, पुलिंग बहुवचन, क्योंकि वह की बात कर रहे हम लोग, सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, पुलिंग बहुवचन। और कारक नहीं है इसमें, काल की अगर बात करें तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल। तो आई होप कि ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको पता होगा, चल गया होगा, वेरीफाई हो गया होगा। आइए क्वेश्चन हम फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको, तो इसमें रस पहचान कर लिखना है आपको। एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, निकल वटोही बीच ही, पर्दियों मुरछा जा खाए, ठीक है, इसमें आपको रस पहचानना है। तो रस पहचाने और चार के उत्तर दे रहा है, चार के केवल, तो कोई भी चार दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को हम, तो यह भयानक रस की बात कर रहा है, ठीक है, ये भयानक रस होगा। आइए ख की अगर बात करें, रौद्र रस का एक उदाहरण लिखिए, जी हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि रौद्र रस का, करुण रस का, उद्पिन से अस्थाई भाव का, ये हम आपको बताएंगे अभी। तो रस का भी मैं एक चैप्टर लेकर आऊँगा जिसमें आपको कन्फर्म पता चलेगा। तो रौद्र रस का यानी कि रौद्र मतलब आपको जान रहे हैं कि रौद्र मतलब क्या होता है, तो क्रोध, नहीं बोलते हैं कृष्ण जी रौद्र रूप में आ गए थे, तो क्रोध की बात होती है। तो क्रोध का एक आपको क्या देना है, उदाहरण देना है। तो क्रोध का क्या लिख सकते हैं? तो क्रोध का जब हम, आप लोग रामायण देखे होंगे कि राम जी जब हमारा उसी क्या बोलते हैं गंगा माता जी को जब मनाने लगे, समुद्र मंथन जो था ना, समुद्र को जब मनाने लगे, नहीं माना समुद्र, तो उस बात जो राम जी गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, तो वहाँ पे ये एग्जांपल दे सकते हैं क्रोध रुस, उसी का एग्जांपल दे सकते हैं। करुण रस की बात करें, करुणा रस, तो करुणा मतलब शोक, शोक का कोई भी एक यहाँ पे शोक रस का स्थायी भाव क्या है, करुण, करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण का शोक होता है, तो शोक लिख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे शोक लिख सकते हैं। उद्भिन्न से क्या समझते हैं, उच्छिपन से क्या समझते हैं, उच्छिपन, ठीक है। तो उच्छिपन से क्या समझते हैं, ये जुगुप्सा होगा, जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा होगा, जो कि ये विभत्स रस की बात करता है। अस्थाई भाव से क्या अभिप्राय है, अस्थाई भाव मतलब कि आपको एक अस्थाई मतलब जो आप एक्टिव हो जाते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि उल्लास को देखकर, क्रोध को देखकर, शोक को देखकर, जो आपके मन में जो भाव आता है और आप उसके बाद एक्टिव हो जाते हैं कार्य करने के लिए। जैसे कि मैं कोई भी भयानक चीज़ देख लिया, उसके बाद अस्थाई भाव आया कि भय आ गया मेरे पास और मैं तुरंत भाग गया, तो जो भागने वाली क्रिया है वो क्या हो जाएगी, अस्थाई भाव हो जाएगी, ये चीज़ें होती है। आइए गौ की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं चार प्रश्न के उत्तर देना है, 30-40 शब्दों में लिख सकते हैं। बाल गोविंद भगत, आप लोग कहानी सुने होंगे, पढ़े होंगे हिंदी में, कि बाल गोविंद भगत के गीतों का खेतों में काम करते हुए और जाते हुए नर नारिया के क्या प्रभाव पड़ता था। तो गीत गाती थी ना, लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब की सनक को आपका कहना उचित ठहरेंगे क्या, तो ये आपका उत्तर लिख सकते हैं। फादर बुल्के ने भारत में रहते हुए हिंदी के उत्थान के लिए क्या कार्य किए, तो फादर बुल्के क्या किए भारत में रहते हुए हिंदी के उत्थान के लिए, तो हिंदी के बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखा था। एक कहानी या भी पाठ के आधारित पर लेखक के पिताजी के सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का उल्लेख कीजिए। तो एक कहानी या भी में क्या था, उनके पिताजी जो लेखक के पिताजी थे वो कहीं ना कहीं लेखिका को पार्टिसिपेट करने में सहयोग देते थे ना विद्यालय में, कि तुम जाओ प्रोटेस्ट करो या कुछ भी करो, जो कि विद्यालय की एक लेखिका थी, और एक तरह से वो भी निराश भी होते थे कि मेरी बेटी हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बिस्मिल्ला खान की तुलना कस्तूरी मृग से क्यों की गई है, तो आप लोग जान नहीं रहे हैं कि बिस्मिल्ला खान हमारे देश के बहुत ही बड़े एक बजाने वाले थे, ठीक है, जो कि बिस्मिल्ला खान को आप लोग कहानी अगर पढ़े हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कस्तूरी मृग से उनकी तुलना की गई थी। निम्नलिखित के ध्यान को ध्यानपूर्वक पढ़कर यहाँ पर आपको उत्तर देना है, तो आप लोग किताब का ही है, बुक का ही है, आप लोग दे सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर पान वाले के लिए क्या बात मज़ेदार थी और क्यों, तो पान वाला के लिए क्या बात मज़ेदार थी और क्यों थी, तो पान वाले साहब हमेशा पूछते थे हमारे हलदार साहब कि वो मूर्ति जो था उस पर चश्मा नहीं था, तो चश्मे को लेकर बार बार पूछते थे पान वाले से, क्योंकि हलदार साहब की दृष्टि में कस्बे का अध्यापक बेचारा क्यों था अध्यापक, क्योंकि अध्यापक बार बार उस चश्मे को देखता था और हटाता था। हलदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा न लगने की क्या क्या संभावनाएँ थी, संभावनाएँ क्या क्या बताएं कि नेताजी की चश्मा पर न लगने की, नेताजी की चश्मा बनाने वाला मूर्ति या तो उसको दिमाग से हट गया होगा या टूट गया होगा, ऐसी कुछ चीज़ें थी ना उस समय, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हो आप, तो ये चीज़ आपके बुक से हैं तो इसको आप लोग कर सकते हो। चार शब्दों में 30-40 शब्दों में लिखना है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो, बुक से ही आपके बुक से ही हैं। के 10 क्वेश्चन के लोग बात करेंगे, बच्चे रोना धोना पीड़ा ये सब आपको 50-60 शब्दों में लिखना है, दो प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं आपको, तो ये भी आप लोग बुक से ही लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको संकेत विधियों पर लगाकर महात्मा गांधी जी की 500वीं जयंती पर 150वीं जयंती जब थी तो 250 शब्द में आप लोगों को निबंध लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको इस शब्द को लगाकर आप लोग लिख सकते हैं कि मनाने के उद्देश्य क्या है, गांधी जी का जीवन क्या है, आज़ादी के आंदोलन में क्या भूमिका थी उनकी, और प्रशंसक क्या है इसका, तो आप लोग क्या समझते हैं इससे, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और वो नहीं लिखेंगे तो आप ग्लोबल वार्मिंग पर लिख सकते हैं आप, ठीक है, और भीड़ भाड़ मेट्रो में लिख सकते हैं इसके लिए। पुस्तकालय में हिंदी लेखक के पुस्तक मांगने के लिए आप प्रणाचार्य को पत्र लिख सकेंगे, लिखने के लिए आया है, आप देश की रक्षा के लिए मतदान अधिकार के लिए जागरूक होने के लिए आप लिख सकते हो। किस नगर निगम मिठाई की दुकान खुली है उसके लिए प्रचार करने के लिए विज्ञापन बनाइए, ठीक है। तो विज्ञापन कैसे बनाया जाता है मैं इसका लेक्चर में लिया हूँ,
उस लेक्चर को देखिए, विज्ञापन बनाना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का विज्ञापन होता है ना, कि पेन, एक पेन है, पेन का विज्ञापन देना है, तो पेन कितने प्राइस का है, आप कितना छूट दे रहे हैं, ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जो होता है तो वो विज्ञापन होता है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसको जाकर देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आप लोग बोलिए, कमेंट करिए। तो एक रस के ऊपर, पद परिचय के ऊपर, वाक्य भेद के ऊपर, वाच्य और सब के ऊपर आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। ऐसा तो मैं बना कर रखा भी हूँ, तो उसको जितने लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को, वाक्य, समास, अलंकार, तो आप लोग जाकर देखिए, कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टडी मिशन बाय सुधीर के नाम से चैनल है, तो यूनिट, तो आप लोग वहाँ पर चैनल पर सब वीडियो आप लोगों को अपलोडेड मिलेगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं कहीं भी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें दिया गया है। सो अगला वीडियो हमारा आएगा एक नए पेपर के साथ, नए एग्जाम पेपर के साथ, प्रीवियस पेपर के साथ। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, सो इंजॉय करिए अपने होली को भी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, जय हिंद। We could just fade away into each other's lives, and we could just fade away until we're